नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शाला। साथियों, केरल के मलापुरम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 17 साल की लड़की प्रेमी के साथ कथित शारीरिक संबंध के बाद गर्भवती हुई और घर में ही YouTube वीडियो देखकर बच्चे को जन्म दिया। परिवार वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। वहीं आरोपी प्रेमी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके मां और बच्ची को मंजेरी के राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों स्वस्थ हैं। पुलिस ने बताया कि लड़की और उसके बच्चे की देखभाल आरोपी का परिवार कर रहा है, लेकिन वह यानी कि पुलिस इसे दुष्कर्म के मामले के तौर पर ले रही है, क्योंकि उसकी उम्र केवल 17 साल है। युवक को पॉक्सो एक्ट और IPC की धारा 376 यानी कि दुष्कर्म के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि यह मामला जिले के कोटाकल पुलिस थाने के अंतर्गत आया है। उन्होंने बताया कि लड़की ने 20 अक्टूबर को अपने घर में ही YouTube देखकर बच्चे को जन्म दिया और उसका गर्भनाल काटा। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि उसने प्रसव के दौरान कोई बाहरी मदद नहीं ली। उन्होंने बताया कि लड़की के माता पिता को घटना की जानकारी 22 अक्टूबर को तब हुई जब उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। दरअसल लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके माता पिता दृष्टि बाधित हैं, इसलिए उन्हें बच्ची के गर्भवती होने का पता नहीं चला। लड़की और 21 साल के युवक के बीच कुछ समय से प्रेम संबंध चल रहा था। लड़की की 18 साल उम्र होने पर दोनों की शादी करने की योजना थी। तो साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर, आप अपना कमेंट हमें ज़रूर दे सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज शाला। धन्यवाद।